नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन, घर पे रहना है और हमें एकदम सेफ रहना है, मास्क को पहन के रखना है, हमारे हैंड है उसको साबुन से साफ करते रहना है, राइट? नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हाउ किया था, राइट? हमारा पेज नंबर, पाठ वाला का पेज नंबर 58, हाउ कैसे लिखते हैं वो भी हमने देख लिया था, उसका अभ्यास अभी बाकी था, पेज नंबर 59 और 60, राइट? हमारा पेज नंबर 59 और 60 वो बाकी था, आज हम लोग वो करेंगे। उससे पहले हम लोग हमारी जो पूरी वर्णमाला है क ख ग घ, उन सबसे मैंने थोड़े से शब्द यहाँ पर बनाए हैं, वो हम लोग रीड करेंगे, राइट? सारे शब्द हमने ऑलरेडी क से ह तक के सारे वर्ण हमने सीख लिए हैं, उसी के ऊपर से ये थोड़े से शब्द है जो मैं रीड करूंगी और आपको भी मेरे साथ साथ रीड करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता चल गया कि किसको ह कहते हैं, किसको ल कहते हैं, किसको स कहते हैं, राइट? तो आपको भी मेरे साथ साथ वो रीड करते जाना है, डन? सबसे पहले तो हम लोग जो मैंने लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। क से स्टार्ट किया है मैंने, क से शब्द बनाने शुरू किए, तो क ख ग घ च छ झ झ ट ठ ड ढ। अण से कोई शब्द नहीं बनता पर अण का उपयोग हम लोग करते हैं, त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह, राइट? यहां तक हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये यहां से स्टार्ट करके मैंने सारे क से स्टार्ट करके सारे मैंने शब्दों से थोड़े थोड़े शब्द बनाए हैं, राइट? वो शब्द हम लोग अभी अब रीड करेंगे, ओके? जैसे कि क प्लस र कर, क प्लस र कर, ख प्लस ल खल। प्लस यानी कि क्या? उन दोनों शब्दों को हमें जोड़ना है, क्या कर देना है? इन दोनों शब्दों को हमें जोड़ देना है, राइट? प्लस को निकाल देना, प्लस यानी कि क्या करते हैं हम लोग? एक और एक को क्या, एक और एक हम लोग क्या करते हैं? दो, दोनों को हम लोग मिला देते हैं। वैसे ही इन प्लस को निकाल देना है और इन शब्दों को हमें उसके साथ ज्वाइन करना है, राइट? कर खल। वैसे ही ग प्लस र गर, घ प्लस र घर, च प्लस ल चल, छ प्लस ल छल, झ प्लस ग जग, ज प्लस ट जट, कर खल गर घर चल छल जग जट, राइट? इसके बाद ट प्लस ब टब, ठ प्लस ग ठग, ड प्लस ग डग, ध प्लस ब ढब, त प्लस ट तट, थ प्लस न थन, द प्लस ल दल, ध प्लस प धप, न प्लस ल नल, प प्लस ल पल, फ प्लस न फन, ब प्लस ल बल, भ प्लस र भर, म प्लस ग मग, य प्लस स यस, र प्लस थ रथ, ल प्लस ट लट, नल फल फन बल भर मग यस रथ लट, राइट? ऐसे ही वो से व प्लस ट वट, श प्लस क सक, श प्लस ट शट, स प्लस झ सझ, ह प्लस ल हल, राइट? तो ये थे हमारे शब्द। क से शुरू करके मैंने पूरी हमारी वर्णमाला है उन सबको लेके मैंने ये सारे शब्द बनाए हैं, राइट? क ख
खल घर घर आपको भी रीड करने आते हैं क्योंकि ये सारे शब्द हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं। चल छल मेरे साथ साथ रीड करना है। जग जट टब ठग डग ढब तट थान दल दब नल पल फन बल भर मग यश रथ लट वाट शाक साठ साज हल। राइट, तो ये थारे सारे हमारी वर्णमाला थी। क ख से लेके पूरी वर्णमाला के हमने शब्द रीड कर ले, यानी कि हमें अभी पूरी वर्णमाला आ रही है और हमें सिर्फ संयुक्त शब्द सीखने हैं और वर्णमाला से यानी कि बिना मात्रा वाले कोई भी शब्द हो तो हम उसको आसानी से रीड कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें क ख सब कुछ रीड करना आ गया है। राइट, तो अभी हम लोग ये जो हमने किया है उसी तरह से ये हमने क्या किया है, किसके शब्द बनाए हैं, व्यंजन के, किसके, व्यंजन के। राइट, तो उसी तरह हमारे स्वर के भी शब्द बनते हैं। पता है सभी को हमारे स्वर के भी शब्द बनते हैं। राइट, देखो एक दो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे करना है स्वर के शब्द। तो पहले तो हमारे स्वर कौन से हैं, अ आ ई ई ऊ। राइट, तो उससे भी बनते हैं शब्द, आ ओ आओ। राइट, आ ई आई। राइट, तो ऐसे हमारे स्वर से भी शब्द बनते हैं। राइट, आई आओ ई और सबसे स्वर से लेके शुरू शब्द होते आज आग इन ईख। राइट, स्वर से भी शब्द शुरू होते हैं और स्वर से भी शब्द बनते हैं। स्वर और व्यंजन हमें खास याद रखना है, हमारे स्वर अ आ ई ई ऊ ए ऐ ओ औ अम अ अम। राइट, अ ओ तक हमने किया है हिंदी में, हम लोग अ से लेके अ से हम लोग औ तक किया है। राइट, अम और अ है वो हमारे विसर्ग और अनुनास अनुस्वर है, वो हम लोग बाद में करेंगे। राइट, अ और औ। राइट, यहाँ तक हमने सारे स्वर किए हैं और रू भी। राइट, तो नाउ अभी हम लोग हमारे जो पेज नंबर 59 है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, पेज नंबर 59 में क्या है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फिर कुछ ऐसा टाइम रहा हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। सबसे पहले हमारा पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 में क्या है कि चित्र का सही वर्ण के साथ मिलान करो, चित्र का सही वर्ण के साथ मिलान करो। तो सबसे पहले तुम्हें पूरे चित्र पता होना चाहिए कि कौन कौन से चित्र है। अगर चित्र हमें पता होंगे तो ही हम उसका अक्षर बता सकेंगे ये कौन से अक्षर से शुरू हो रहा है। राइट, देखो सबसे पहला क्या है, लट्टू। राइट, गोल गोल घूमता है, गुजराती में आपने सुना ही है भमरडो। राइट, इसको कहते हैं लट्टू। फिर है क्या है, रसगुल्ला। देखो व्हाइट कलर का गुलाब जामुन होता है जैसे रसगुल्ला आता है ना, रसगुल्ला का पिक्चर है दूसरा। फिर तीसरा किसका पिक्चर है, सर्कस का। सर्कस होता है ना, सर्कस में से खेल बताते हैं, तो तीसरा पिक्चर है वो है सर्कस का। फिर किसका पिक्चर है, शरबत का। राइट, शरबत है ना ग्लास में। फिर राइट साइड देखो कौन कौन से पिक्चर है, सबसे पहले वक का, वक यानी कि एक तरह का बगुला, वक का चित्र है। फिर किसका चित्र है, षटकोण का जिसकी छह साइड होती है। राइट, हमने लास्ट टाइम जब हमने शो किया था तब हमने किया था जिसकी छह साइड होती है। राइट, 1 2 3 4 5 और 6। राइट, ये छह साइड होती है तो उसको कहते हैं षटकोण। राइट, तो ये है षटकोण। राइट, फिर किसका चित्र है, यज्ञ का। राइट, यज्ञ कर रहा है एक महाराज है, वो यज्ञ कर रहा है यज्ञ का। और फिर है हथेली का चित्र। राइट, लड्डू रसगुल्ला सर्कस शरबत वॉक षटकोण यज्ञ हथेली। राइट, सारे चित्र हमें बार बार पहले देखने हैं, रीड करने, पहले चित्रों को सिर्फ देखना है और उसका नाम क्या है वो हमें पता होना चाहिए तो ही हम लोग उसको पहचान सकते हैं, नहीं तो हम उसको पहचान सकेंगे नहीं। राइट, देखो सबसे पहले क्या क्या है, लड्डू रसगुल्ला सर्कस शरबत वॉक षटकोण यज्ञ और हथेली। राइट, अभी हमें बीच में जो शब्द दिए उसके साथ हमें उसके मिलान करना है। सबसे पहले लट्टू क्या है, लट्टू। राइट, तो य र और नीचे देखो ल दिया है,
तो हमें ल के साथ इसको ज्वाइन करना है, राइट। ल से लड्डू, फिर है र से रसगुल्ला। क्या है? र से रसगुल्ला। फिर उसके बाद क्या है? व से देखो पिक्चर भी आप देख सकते हैं या बीच वाले वर्ड भी देख सकते हैं, सर्कस, तो सर्कस का स, राइट। लड्डू का ल, फिर उसके बाद क्या है? रसगुल्ला का र, फिर सर्कस का स, और फिर क्या है? शरबत, तो शरबत का श, और फिर क्या है? वक, वक यानी कि बगुला, तो व से वक। फिर उसके बाद क्या है? षटकोण, क्या है? षटकोण, ओके। फिर उसके बाद यज्ञ, यज्ञ का य, और फिर उसके बाद क्या है? हथेली, हथेली का ह, राइट। ल लट्टू, र रसगुल्ला, स सर्कस, श शहर, व वक, श षटकोण, य यज्ञ, और ह हथेली, राइट। तो ये सारे शब्दों को हमें उसके साथ हर एक पिक्चर के साथ हमें उसका मिलान करना है, राइट। नाउ पेज नंबर 59 इज कंप्लीट। नाउ पेज नंबर 60, कौन सा पेज? पेज नंबर 60। देखो उसमें क्वेश्चन 2 क्या है? चित्र पहचानो और नाम का पहला अक्षर लिखो। क्वेश्चन 2 कौन सा है कि चित्र को पहचानो और उसका पहला अक्षर लिखो। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? हमें सारे चित्र है उसको पहचानना होगा। तो सारे चित्र कौन कौन से हैं? पहले वो एक बार देखते कि मछली है, खरगोश है, छाता है, पतंग है, हल है, घड़ी है, डमरू है, तकिया है, राइट। कौन कौन से चित्र है देख लिए? मछली, खरगोश, छाता, पतंग, हल, घड़ी, डमरू और तकिया, ओके। कौन कौन से चित्र है वापस एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि बार बार अगर उसके नाम हमारे मुंह में आएंगे, उच्चारण में आएंगे, बोलने में आएंगे, तो ही हम उसका व्यंजन लिख सकते हैं। मछली, खरगोश, छाता, पतंग, हल, घड़ी, डमरू और तकिया, राइट। अभी हम लोग सबके पहला पहला अक्षर ना जिससे वो स्टार्ट होता है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले म से मछली, क्या आएगा? म से मछली। फिर दूसरा पित्र कौन सा है? खरगोश। ख से खरगोश। म से मछली, ख से खरगोश। फिर छ से छाता, छ से छाता, और फिर है प से पतंग, प से पतंग। मछली, खरगोश का ख, छाता का छ, और पतंग का प। फिर दूसरी लाइन में क्या, कौन सा चित्र है? हल्का, तो ह से हल, ह से हल। फिर है घ, घ से घड़ी, घ से घड़ी। फिर है डमरू, डमरू किसका होता है? शिव जी का। किसका डमरू? शिव जी का, है शिव जी के पास डमरू होता है ना, त्रिशूल और डमरू। फिर किसका चित्र है? त, त से तकिया। किसका चित्र है? त से तकिया, राइट। मछली, खरगोश, ख से खरगोश, छ से छाता, प से पतंग, ह से हल, घ से घड़ी, द से डमरू, त से तकिया, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है शब्द लड़ी बनाओ बिना मात्रा के। शब्द लड़ी यानी कि क्या? सबसे पहले तो शब्द लड़ी यानी कि हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं ना घर पे, कि जिसका भी लास्ट वर्ड आया उसी से उसको गाना गाना होता है, ऐसी अंताक्षरी हम लोग खेलते हैं। फिर हम लोग शब्द की भी अंताक्षरी खेलते हैं कि जैसे कि हमने भी कोई एक वर्ड बोला है उसका लास्ट वर्ड है उसी से दूसरे हमारा जो फ्रेंड है वो बोलेगा। जैसे कि मैं बोलूंगी कि शनिवार, तो पीछे र आया तो र से वो बोलेगा रसगुल्ला, तो पीछे ल आया तो वो से बोलेगा लकड़ी, तो उसके पीछे ड आया तो ड से बोलेगा डमरू,
फिर वापस र आया तो र से बोलेंगे रजाई, राइट। जैसे भी शब्द आते हैं उस तरह शब्दों की हमें सीढ़ी बनाते जानी है, राइट। तो इसमें भी हमें शब्दों की सीढ़ी बनानी है, पर हमें क्या करना है कि हम लोगों को शब्द कैसे लिखने हैं बिना मात्रा वाले, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ हमारा क ख ग हमारे व्यंजन और स्वर ही सीखे, अभी हमने मात्रा सीखी नहीं, इसलिए रसगुल्ला, खड़ी, लकड़ी ऐसे ई वाले ऊ वाले शब्द अभी हमें लिखने नहीं आते हैं। तो हम लोग सिर्फ इन शब्दों से, सिर्फ हमें सिंपल सिंपल शब्द आते हैं उससे हम लोग शब्द की जो ये लड़ी है वो बनाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन 3 है, उसमें क्या है, सबसे पहले पहला शब्द कौन सा है, देखो ऑलरेडी हमें 2 शब्द दे दिए हैं, कौन कौन सा दिया है, कमल, राइट। सबसे पहला हमें कौन सा शब्द दिया, थोड़ा सा इस तरफ लिख ले ताकि हमारा ये समझ आए, क म ल, सबसे पहले क्या है, कमल, फिर उसके बाद ल आया, लास्ट वर्ड कौन सा आया, ल, तो ल से क्या बना, ल प क, लपक जाना, राइट। फिर लास्ट वर्ड कौन सा आया, क, तो क से कमल था, क से कलम, क ल म, वैसे तो क से कछुआ भी बनता है पर हमें बिना मात्रा वाले शब्द लिखने हैं, क से कलम। लास्ट वर्ड इसका क्या हुआ, म, तो म से कौन सा ग शब्द बनेगा, महल, क्या बनेगा, म ह ल, फिर उसके बाद कौन सा शब्द है, महल, फिर ल ट क ल है, ल से ल ट क, और फिर लास्ट वर्ड वापस कौन सा आया, क, तो क से क, जिसके अंदर हम लोग दूध पीते हैं, राइट। देखो लास्ट लास्ट वर्ड देखना है, ल, ल से लपक, क, क से कलम, म, म से महल, ल, ल से लटक, क, क से कप, राइट। यहाँ से भी प से भी बना सकते हैं हम लोग, प ल क, राइट, बना सकते हैं ना, प से प ल क, और भी जैसे जैसे शब्द आते हैं वैसे वैसे हमें शब्द लड़िया बनाती जानी है, राइट। अभी हमें कैसी शब्द लड़ी बनाई है, हमने सिर्फ बिना मात्रा के, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है, राइट, कमल, लपक, कलम, महल, लटक, कप, राइट। देखो लास्ट लास्ट वर्ड ल क, तो यहाँ से क से स्टार्ट किया, यहाँ से ल से शुरू खत्म हुआ तो ल से स्टार्ट, यहाँ क से खत्म हुआ क से स्टार्ट, फिर यहाँ म से खत्म हुआ म से स्टार्ट, फिर यहाँ ल से खत्म हुआ ल से स्टार्ट, क से खत्म हुआ और क से स्टार्ट, राइट। तो इस तरीके से हमारी शब्द लड़िया बनती है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अभी हम लोग वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है कि शब्द पूरा करो और चित्र से मिलाओ, शब्द को पूरा करना है और साथ ही साथ हमें चित्र के साथ उसका मिलान करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग सारे चित्र देख लेते हैं, जब भी हमें कोई चित्र दिया होता है ना तो फिर सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें सबसे पहले चित्र को देख लेना है, कौन कौन से चित्र है। एक तो है पलक, हमारी आंखें जो होती है ना, पापड़, आप कहीं ना गुजराती में पापड़, राइट, उसको पलक झपकाते ना, ऐसे हम आंखें हम बंद चालू करते हैं तो उसको कहते हैं पलक, क्या कहते हैं, पलक। फिर है कलम, फिर है बतख, फिर है कमल, और फिर है सड़क, राइट। कितने कितने वर्ड है, कितने कितने चित्र है, पलक, कलम, बतख, कमल और सड़क, राइट, ये सारे चित्र हमने देख लिए। अभी हमारे जो शब्द दिए वो देखते हैं, सबसे पहले हमारा शब्द क्या दिया है, ब दिया है, फिर देश दिया है, और फिर क्या दिया है हमें, ख, राइट। यानी कि ये किसका चित्र हम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, शब्द कौन सा शब्द होगा, हमें कौन कौन से चित्र दिए है, पलक का, कमल का, कमल का, कलम का, सड़क का, तो ये किसका है, बतख का, तो ये बतख किसका चित्र है, बतख, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बतख, राइट। उसके बाद देखो कौन सा चित्र हमें क्या दिया है, ब्लैंक दी है और यहाँ पर ल और म दिया है, तो बतख तो चला गया, अब ये क्या क्या बचा, पलक, फिर बचा कलम, फिर बचा कमल और फिर बचा सड़क, तो सड़क तो यहाँ पर ड और क ऐसा कुछ है नहीं, अभी रहा कलम और पलक, तो पलक यहाँ पर लास्ट में क होना चाहिए,
तो वो भी नहीं। अभी देखो कलम और कमल, कलम कमल, कमल में पहले म आएगा और कलम में पहले ल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, क कलम, राइट। और उसको फिर ज्वाइन करेंगे लास्ट में। फिर देखो कौन सा चित्र है, फिर हमें क्या दिया है, प ल और ब्लिंक भी है, तो प ल क, आंखों को पलकान पलकाने करते हैं ना, प ल क, प ल क। फिर दूसरा चित्र, दूसरा ब्लैंक क्या है, डेस ड क, तो यहाँ पर क्या आएगा, स ड क, क्या आएगा, स ड क, बतख कलम पलक सड़क, बतख कलम पलक सड़क, राइट। अभी हम उन सबको हमें चित्र के साथ ज्वाइन करना है, जहां पर बतख है वहां बतख पर ले जाना है, जहां पर कलम है उसको कलम के साथ ज्वाइन करना है, और जहां पर पलक है उसको पलक के साथ ज्वाइन करना है, और जहां पर कमल है उसको कमल के साथ, कमल पर आ गया, राइट। कलम और कमल तो हमारे एक बीच में रखा गया यहाँ के बाद, राइट। कलम और कमल दोनों सेम होते हैं ना, इसीलिए, राइट। यहाँ पर देखो क म ल, यहाँ पर कमल वाला हम लोग ये खा गए थे ना, है ना, दीदी को भूख लग गई, बतख कलम कमल, और फिर आता है प ल क, और उसके बाद आता है स, स की ब्लैंक ड क, राइट, स ड क, बतख कमल कलम कमल पलक सड़क, कलम और कमल, कलम में बहुत मिस्टेक होगी, राइट, कलम और कमल, उस दोनों में खास ख्याल रखना है, कमल और कलम, कलम यानी जिससे हम लिखते हैं, और कमल यानी कि कमल का फूल, लोटस, राइट। फिर उन सबको, उन सभी चित्रों के साथ हमें ज्वाइन करना है, ओके। तो ये था हमारा पेज नंबर 59 और 60, राइट। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ आगे का जो हमारी FM2 एग्जाम है वो आने वाली है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि सारे जो शब्द है उसको कैसे कैसे रीड करते हैं, उन सब का जो हमने क से लेके घ तक और हमारे स्वर, वो सब हमें पता होना चाहिए कि कौन से स्वर से कौन सा शब्द व्यंजन शुरू होता है, कौन सा व्यंजन से कौन सा शब्द शुरू होता है, कौन से स्वर से कौन सा शब्द शुरू होता है, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए, राइट। जैसे कि कमल, क से कमल, ह से हल, ल से लड़का, ल से लड्डू, र से रसगुल्ला, कौन से शब्द से शुरू हो रहा है, कौन से वर्ण से, वो हमें पता होना चाहिए, राइट। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारा जो पेपर आ रहा है, एग्जाम आ रही है, हम लोग हमारा रिविजन स्टार्ट करेंगे, राइट। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर 5 है अतिरिक्त व्यंजन, वो स्टार्ट करेंगे, ओके। नाउ तब तक के लिए बाय।